बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजल फरमाएं, आमीन। तो जी, आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चिकन रोस्ट, स्टीम रोस्ट चरखा, जो कि बनाया है मैंने बहुत आसान रेसिपी से। आप ही ट्राई कीजिएगा ज़रूर। तो चलिए बनाते हैं चिकन चरखा। तो इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ बाद में। इससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया है, ये देखिए पूरा चिकन है ये, इसको मैंने धो लिया है, खुश कर लिया है। और इसके बाद अब इसकी मैं कर रही हूँ कटिंग। कटिंग मीन्स के मैं इनको इसको कट लगा रही हूँ, ताकि मसाला अच्छी तरह से चिकन के अंदर चला जाए। इस तरीके से आपने पूरे चिकन को कट लगा देने हैं। ये देखिए आराम से, बहुत एहतियात से, हाथ को बचा के, ये देखिए इस तरह से मैं जैसे लगा रही हूँ, आपने भी इसी तरह से कट लगा लेने हैं। बहुत ज़्यादा डीप कट नहीं लगाने, डीप कट लगाने से मुर्गे की जो बोटियाँ हैं वो अलग हो सकती हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा खासा मोटा ताज़ा मुर्गा है ये, देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं पीसे ये इसको कट। तो जब ये बनेगा तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनेगा, आप देखिएगा मसाला अंदर तक जज़ब हो जाएगा। चलिए जी, ये तो हो गए कंप्लीट। तो अब मैं इसकी मैरिनेशन करूँगी। तो मैरिनेशन के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सबसे पहले वो है दही। तो मैंने ले लिया है दही, तकरीबन आधा कप ये दही है। और इसके अंदर जो चीज़ें डालनी हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक अंडा। अंडा क्यों डाला जाता है, चिकन को क्यों लगाया जाता है? चिकन को लगाने से अंडा ये होता है कि तमाम मसाले अच्छी तरह से चिकन पर चिपक जाते हैं। तो अंडा हमें बाइंडिंग में, मतलब उसको जोड़ने में, मसाले को जोड़ने में बहुत मदद देता है। तो अब इसके बाद अंडा डालने के बाद अच्छा सा हमने मिक्स करना है अंडे को। और कुछ चीज़ें हैं बाकी, वो मैं ऐड कर रही हूँ। ये लेमन का रस मैंने रख लिया था पहले ही अपने पास। एक नींबू आपने उसका रस डाल देना है साथ ही, और साथ ही डालने हैं आपने मसाले। ये देखिए मेरे पास नमक है, गरम मसाला है, लाल मिर्च है, और ये कुटी हुई लाल मिर्च है। तो लाल मिर्च जिसको बसार बोलते हैं हम, कश्मीरी मिर्च होती है ये, इसमें हल्दी भी मिक्स होती है, तो इसलिए वो मैंने शामिल की है। और लाल मिर्च जो कि कुटी हुई लाल मिर्च है वो अलग से शामिल की है। तो ये तमाम चीज़ें मिक्स कर दी हैं मैंने। अब तो अब हम चिकन पर कोटिंग करेंगे मसाले की अच्छी तरह से। तो उससे पहले मैंने ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। बहुत अच्छा सा आपने ये तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो जी अब मैं लगाती हूँ चिकन पर मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी हमारा चिकन, तो ये मसाला आपने बहुत अच्छी तरह से इन कट्स के अंदर भी आपने लगाना है, ताकि अच्छी तरह से मसाला अंदर चला जाए, चिकन अच्छी तरह से गल जाए और अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो ये देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ इसको, अच्छी तरह से हाथों की मदद से आपने लगा लेना है चिकन को। ये देखिए जी इस तरीके से माशाल्लाह से बहुत मज़े का और बहुत मज़ेदार ये चिकन बनने वाला है। बहुत आसान रेसिपी है, कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स, कोई ऐसी टेक्निक मैंने यूज़ नहीं की है जो इसमें कोई मुश्किल हो आप लोगों को। तो सिंपल से घर में जो मसाले यूज़ होते हैं वही हैं, कोई मैंने बाहर का तिक्का मसाला या कोई इस तरह का यूज़ नहीं किया है।
तो जी अब मैंने रख ली है कढ़ाही चूल्हे पर, वो गर्म हो रही है। तो उससे पहले मैंने क्या करना है कि जी इस चिकन की जो टांगे खुली हुई हैं इनको बंद करना है ताकि चिकन अच्छी तरह से बने। तो टांगे पकड़ के आपने किसी भी धागे के साथ इस तरीके से जैसे मैं बांध रही हूँ इस तरह से आपने बांध देनी है पकड़ के। ओहो ये तो काबू ही नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी हो गया काबू। तो ये मैंने बांध ली हैं टांगे। ये ज़रूर कीजिएगा आप, क्योंकि टांगे आप अगर बांधेंगे नहीं उसकी लेग्स को ऐसे ही छोड़ेंगे तो वो खुल जाएगा, टूट जाएगा, सारा अलग हो जाएगा। तो लेग्स बांधने के बाद मैं ज़रा हाथ धो लूँ, फिर नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा ये मसाला लग चुका है और अब कढ़ाही में जाने वाला है ये चिकन हमारा। कढ़ाही में आप रख लें, बना लें, या कोई और बर्तन हो जिसमें अच्छे से स्टीम आ जाए आपने वो यूज़ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं डाला मैंने कढ़ाही में और ऐसे ही मैंने चिकन को रख दिया है और सारा मसाला मैं अब ऊपर डाल रही हूँ। ये देखिए जी सारा मसाला आपने जो बचा हुआ था पीछे रह गया वो आपने डाल देना है साथ ही, और साथ ही अब मैं ढक्कन दे दूँगी। तकरीबन एक घंटे तक आपने इसको पकने देना है। उसके दरमियान में आपने क्या करना है कि इसकी साइड चेंज करते रहना है। तकरीबन आधा घंटा गुजरने के बाद आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से मैं साइड चेंज कर रही हूँ, आधा घंटा गुज़र चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत मुश्किल काम है साइड चेंज करना पूरे चरगे की। एहतियात से, बहुत एहतियात से आपने इसकी साइड चेंज करनी है। देखिए ये देखिए जी ये तो काबू ही नहीं आ रहा, लेकिन ये साइड चेंज करेगा, ज़रूर करेगा। ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए काफ़ी हद तक इसकी शक्ल, इसका कलर चेंज हो चुका है। तो दोबारा से मैं अब ढक्कन देकर इसको रख दूँगी। मसाला कोशिश कीजिए दोबारा से ऊपर लगा दीजिए आप जो बचा हुआ मसाला है। देखिएगा आप ये मसाला बिल्कुल खुश्क हो जाएगा जब ये चिकन रेडी हो जाएगा। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत खुशबू जो आ रही है, लाजवाब, वो आप सोच भी नहीं सकते कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब ढककर मैं फिर रख रही हूँ। आधा घंटा गुज़र चुका है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन चरगा तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार तैयार हुआ है ये। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है बनाने में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।